हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेपर जो कि है हमारा टीचर एजुकेशन का बीएड कोर्स। और जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से जो कि एफिलेटेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी को, तो आप जैसे देख सकते हैं बीएड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यहाँ पे लिख रखा है और ये ठीक है, और टीचर एजुकेशन का ये पेपर है ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइम जो है वो हमारा 3 घंटे हैं और मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे। और इसमें दे रखा है कि जो हर क्वेश्चन होगा उसके साथ चॉइस होगी, और जो पहला क्वेश्चन है ये आपको कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है ये हमारा पहला क्वेश्चन, आप जैसे देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमने यूट्यूब के, आप वहाँ से जाइए और वहाँ पर इसको ज्वाइन करिए और वहाँ से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट लिखना है आपने इन सभी पे जो यहाँ पे दे रखे हैं। 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो कैरी कर रहा है 3 मार्क्स, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 12 मार्क्स का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर एम्स क्या है टीचर एजुकेशन के, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसकी कंपोजिशन क्या होती है ठीक है। और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, आपको पता होगा टेक्निक होती है एक टीचिंग की ना, तो ये आपको इसके बारे में लिखना है। और प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर एजुकेशन के क्या है वो आपको जो है वो लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है इन सभी पे। और ये हर क्वेश्चन जो है आपको जो पार्ट दिख रहे हैं ये 3 मार्क्स का एक पार्ट है और 4 पार्ट्स टोटल हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अभी Unit 1 से क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे चॉइस होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Question Number 2, एक्सप्लेन द स्पेशल फीचर्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में क्या स्पेशल फीचर थे टीचर एजुकेशन के, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम था ठीक है, तो उसको बारे में आपने जो है उसके स्पेशल फीचर्स जो है वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। इसी के साथ ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आ जाता है डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट 1983-1985 फॉर टीचर एजुकेशन ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है Unit 2, यहाँ पे Question Number 4, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। सो कौन कौन सी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीचर एजुकेशन को जो है वो हाल्ट कर रही है ठीक है, यानी जो क्वालिटी है टीचर एजुकेशन को उसको हाल्ट कर रही है, ये आपने इसके बारे में लिखना है ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 5th क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे दे रखा है क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शन ऑफ डाइट, आप सबको पता होगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एज द एजेंसी फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ठीक है। तो आपने इसके एग्जामिन करने हैं फंक्शन, तो ये आपने लिखने हैं इसके बारे में ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये 12 मार्क्स का। उसके बाद Unit Number 3 से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Unit Number 3 से एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग टीचिंग, तो ये आप सभी को पता है। और ये 6+6 मार्क्स का, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स के और स्ट्रक्चर भी जो है वो 6 मार्क्स का है, टोटल हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद आ जाता है हमारा इसी के साथ नीचे पार्ट, आपको क्या करना है यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, ये आपको पता होगा ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जिसके अंदर बच्चे को जो है फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करता है ठीक है। और टीचर जो है यहाँ पे सिर्फ एक्ट एज अ फैसिलिटेटर का काम करता है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे Unit Number 4 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो 8th क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, तो ये नेचर भी 6 मार्क्स का है और स्कोप भी 6 मार्क्स का है, टोटल हो गया हमारे 12 मार्क्स। नेचर लिखना है कैसा नेचर है जो रिसर्च हो रही है टीचर एजुकेशन के अंदर, और स्कोप ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 9th क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो भी हमारे ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं ठीक है, इनका क्या रोल है, तो ये आपको लिखना है इसके बारे में, ये 12 मार्क्स का। और आई थिंक ये ख़त्म। और ये गाइज अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर कोई और भी पेपर चाहिए सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आप तक पूरी आपकी हेल्प करूँ। गाइज बाय बाय गाइज एंड हैव अ गुड डे।